नमस्कार, आप सबका स्वागत है। 31 दिसंबर 2016 की रात तुर्की के इस्तांबुल में न्यू ईयर की पार्टी में सांता क्लॉज़ के वेश में आए आतंकियों ने हमला कर दिया था। आतंकियों ने केवल 7 मिनट में ही 180 गोलियां चलाकर कई 39 लोगों को मौत की नींद सुला दिया, जिसमें शामिल 2 भारतीयों में वडोदरा की फैशन डिजाइनर खुशी शाह शामिल थी। 28 दिसंबर को खुशी बिजनेस के सिलसिले में से मुंबई से तुर्की गई थी। वह 2 जनवरी को इंडिया वापस आने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही वे आतंकी हमले का शिकार हो गई। अपने आखिरी व्हाट्सएप मैसेज में उसने अपनी मौत का संकेत दे दिया था। उसने अपने आखिरी व्हाट्सएप में लिखा था कि व्हाट इफ गॉड आस्क्स यू आफ्टर यू डाई, सो हाउ वाज हेवन, यानी मौत के बाद भगवान आपसे पूछते हैं कैसा था स्वर्ग। वडोदरा के अंकलेश्वर में केमिकल फैक्ट्री के मालिक अश्विन शाह की 27 साल की बेटी खुशी ने शुरुआती पढ़ाई वडोदरा के तेजस स्कूल से की थी। इसके बाद 2007 में वे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने यूएसए चली गई थी। फैशन डिजाइनिंग में मास्टर्स डिग्री लेने के बाद यूएसए से लौटकर खुशी ने अपना बिजनेस खुशीज के नाम से मुंबई के जुहू से शुरू किया था। 2016 में मेंस के लिए शुरू किए गए इस डिजाइनर बुटीक का इनॉग्रेशन बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने किया था। कुछ ही समय में खुशी ने मुंबई में अपना एक खास मुकाम भी बना लिया था। 2013 में वे हेविल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक से वे खूब चर्चा में थी। बॉलीवुड की कई हस्तियों के लिए ड्रेस डिजाइन किए थे।